महाराष्ट्र में शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई। अलग अलग विचारधारा होने के बावजूद शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाया। उद्धव ठाकरे सीएम बने। कांग्रेस और एनसीपी को सत्ता का भोग करने का मौका मिल गया। लेकिन अब समस्या यह है कि कांग्रेस में कितनों को मंत्री बनाया जाएगा, और जो विधायक मंत्री नहीं बने वो बगावत पर उतर सकते हैं, क्योंकि जनता द्वारा नकारे जाने के बाद भी कांग्रेस को सत्ता मिली है, तो मंत्री बनने का सपना सभी विधायक पाल रहे होंगे। यही वजह है कि महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी विधायकों को हिदायत दी है कि वे सरकार के खिलाफ फालतू बयानबाजी से बचे। आपको बता दें कि नागपुर विधान भवन परिसर में कांग्रेस कार्यालय में खड़गे ने पार्टी विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में खड़गे ने विधायकों से कहा कि अगर उन्हें कुछ बोलना है तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बोले। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने विधायकों से यह भी कहा कि अगर सरकार के खिलाफ किसी फैसले पर मतभेद है तो उस पर सार्वजनिक बयानबाजी ना करें। इसके अलावा खड़गे ने विधायकों से यह भी कहा कि पार्टी में गुटबाजी खत्म करना बेहद जरूरी है, पार्टी की मजबूती के लिए सभी एकजुट होकर कार्य करें। वहीं एनसीपी की तरफ से मंत्री बनने वालों नेताओं के नाम तय हो गया है, लेकिन कांग्रेस में अभी भी कुछ स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी नहीं पता कि कांग्रेस के कोटे से कौन कौन मंत्री बन रहा है, क्योंकि कांग्रेस के सभी 44 विधायक मंत्री बनना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 12 मंत्रालय दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस के विधायकों में गुटबाजी शुरू हो गई है, और ये तीन पहिए वाली सरकार की हवा उन्हीं के विधायक निकाल सकते हैं, जैसे कर्नाटक में कुमार स्वामी के साथ हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।